कभी तो क्या खुदा से जो तू ही ना रहा। जिंदगी अब और जीने का हौसला ना रहा। साया बन के छाया गम हो जहां उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 वाह। अच्छा अब आज ऑफिस ना जाए, मैं इतना सब कुछ अकेले कैसे करूंगी। अरे कैसे कर लूं छुट्टी, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है मेरी, और फिर तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, सब कुछ संभाल लूंगा। तुम बस अपनी तैयारी करो। मेरी बीवी के चेहरे पर ये नाराजगी परेशानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये क्या, इतनी मर्तबा मैंने कहा है मेहंदी का रंग हल्का ना हो, आज दोबारा लगा लेना। अच्छा आप तैयार होकर दानिया को नीचे लेकर आ, मैं टेबल सेट करती हूँ। जी जो आपका हुक्म। चलो भाई चलो, आराम से, हम लोग आ रहे हैं। There's a surprise for you. Be careful. Left. Now keep going straight. ये लें जी, हम आ गए। सीधा ये। लो भाई बर्थडे गर्ल। Happy birthday to you. Happy birthday dear Dania. Happy birthday. चलो भाई शाबाश, केक काटो। ए हैप्पी बर्थडे। अरे भाई इसको तो बुझाओ। अरे हाँ ये तो भूल ही गए। ये लो आई विल हेल्प यू, खिलाओ दादू को, जाओ शाबाश। और ये आपका, सदा खुश रहो, भलो फूलो, माँ बाप का साया सदा सलामत रहे तुम्हारे सर पर। चलो भाई जल्दी जल्दी जल्दी। मामा चलो बैठो, तुम लोग लेट हो। नहीं 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 दानिया रहीम जल्दी करो, कुछ दूध तो पीने दें। अरे दूध पीकर जल्दी से गाड़ी में बैठो, बहुत देर हो गई है केक के चक्कर में। चलो जाओ मैं आ रहा हूँ बस। अरे मुझे क्यों खुदाफिस कर रही हो, मैं आ रहा हूँ। अम्मी वो आपने आबी खाला साद और किरण को तो बुलाया ना शाम को। बेटा हसीब इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, अभी तुमने इतनी भारी रकम लोन लेकर घर लिया है, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट अलग जाती है, बाकी के इतने सारे अखराजात हैं, ये पार्टी करना जरूरी है क्या। देखो बेटा तुम्हें मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन यूं दोनों हाथों से पैसा लुटाना कोई अच्छी बात नहीं है। अम्मी ये बातें आप लोगों के सोचने की नहीं है, दानिया का शौक है और उसकी फरमाइश से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ किसका है, इन्हीं दोनों का तो है। वो चाहती है कि उसकी बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो, तो मैं उसका दिल कैसे तोड़ सकता हूँ। लेकिन बेटा लेकिन वेकिन छोड़े, आप बस शाम की पार्टी की तैयारी करें, चलता हूँ। अच्छा रुक जाए प्लीज, ये कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं और बच्चों के फी चलान, आज ड्यू डेट है तो लेट मत करिएगा प्लीज। अरे आप फिकर ही ना करें, ऐसे करवाऊंगा जमा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा।
क्या क्या करेगा वो आज? सालगिरह मनाएगा, बिल्स जमा कराएगा, बड़े बड़े तोहफों की फरमाइशें पूरी करेगा। अरे मैं तो कहती हूँ तुम उसका हाथ बताओ, बताओ उसका हाथ, करो जमा फीसें, खुद बिल्स पे करो, ताकि तुम्हें पता चले कि पैसा दरख्तों पे नहीं उगता, करो। को पता तो है अम्मी, हसीब को नहीं पसंद कि मैं कोई काम करूं, और आज तक उन्होंने मुझे करने भी नहीं दिए, तो इसलिए मुझे आता भी कुछ नहीं है। मैं तो उनके बगैर कहीं बाहर भी आती जाती नहीं। मीरब मेरी बेटी, शादी को 12 बरस बीत चुके हैं, अब तो ये नई नवेली दुल्हनों वाले चोंचले छोड़ दो। बाबा आपको याद है ना? क्या याद है? बाबा डोंट टेल मी, मैंने आपको कल ही बताया था। क्या बताया था? लेट मी थिंक। बाबा मुझे वही वाला सरप्राइज गिफ्ट चाहिए। वही वाला सरप्राइज क्या होता है? बाबा स्कूल में मेरी सारी फ्रेंड्स के पास टैबलेट है, मुझे भी चाहिए। जब तुम्हें पहले से पता है कि तुम्हें क्या चाहिए तो फिर सरप्राइज कैसे हुआ? तानिया तुम भी ना। Whatever, बाबा मुझे तो चाहिए बस वो चाहिए। Okay, relax. Office से वापसी पर लेता आऊंगा, समझी? Okay. और बाबा जल्दी आएगा, as you know, it's my birthday. जी मैम, I know. I'll be home early. और ये तुमने टाई क्यों नहीं लगाई भाई? रोज भूल जाते हो तो। चलो स्कूल आ गया। Was quite fruitful, huh? Okay, then. Thank you, thank you, thank you. Bye. Thank you. So, Haseeb, you already know that company is going through real critical times. ऐसे में project मिलना बहुत जरूरी है. I know, sir, and I'm very confident about the project, sir. और I'm sure client से positive response ही आएगा. Hopefully. ऐसा हो जाए तो क्या ही बात। जरूर सर, इंशाल्लाह। विश यू गुड लक मैन। आओ। पता मेरे बाबा मेरे लिए क्या गिफ्ट ले आने वाले हैं? सरप्राइज है, पता नहीं। दानिया बाबा,
हैप्पी बर्थडे। बाबा मेरा गिफ्ट कहाँ है? कहीं आप भूल तो नहीं गए? अरे मेरी जान, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम मुझे कुछ और मैं ना लाऊं? ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच बाबा। यू आर द बेस्ट बाबा ऑफ द वर्ल्ड। एंड यू आर द बेस्ट डॉटर इन द वर्ल्ड। ये भी तुम्हारे लिए। अच्छा मैं ना इसको राहिम को दिखा के आई इसी पर्पस के लिए। ओके। मेरा कहाँ रह गए थे आप? दानिया कब से वेट कर रही है आपका, चले आए। और तुम? मैं भी। अच्छा वो क्या है कि ये जो तुमने कानों में पहन रखा है ये तुम्हारी साड़ी के साथ कुछ अधूरा लग रहा है। How about this? बहुत प्यारा है लेकिन बर्थडे मेरी नहीं दानिया की है। और ये तुम्हारे लिए, इसलिए कि तुमने मुझे दानिया जैसी प्यारी बेटी दी। मेरा बस चले ना तो सचमुच आसमान से तारे तोड़ कर लिया और तुम सब लोगों को इतनी खुशियां दो कि दुनिया रश करे। आपके कपड़े अंदर बेड पे पड़े, जल्दी से तैयार होकर नीचे। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। कांग्रेचुलेशन भाई। मुबारक बहुत हो। पोती की बर्थडे आपको बहुत बहुत मुबारक। कहाँ है बर्थडे कल का है? अरे हाँ दानिया इधर आओ। ओह माय गॉड, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे दानिया। केक काट ले। हाँ ना चलो आ जाए सब। प्लीज केक काटेंगे आज। वाह भाई वाह, डेकोरेशन तो बड़ी जबरदस्त हुई है साजदा। देख रही हैं आप, पैसा पानी की तरह लुटाया है। ये नीरव और ये दानिया का काम फरमाइशें करना, ऊंची ऊंची फरमाइशें करना, और बुद्धू मेरा बेटा हसी उसका काम है पैसा लुटाना फरमाइशों पर दोनों हाथ से। नहीं सुनता है मेरी, कितना पैसा खर्च हुआ होगा। चलो खुशी का मौका है, कोई बात नहीं, आओ चलते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
हसीब, क्या है, कब से काम कर रहे हैं आप? आखिर कब खत्म होगा ये? खत्म? देखिए, आप अपने ऑफिस का काम ना ऑफिस की हद तक रखा करें, घर मत लाया करें। मैं आपको किसी भी चीज के साथ शेयर नहीं कर सकती, इवन इस बदतमीज से लैपटॉप के साथ भी नहीं। अरे जनाब, मेरा बस चले ना तो सारा दिन इसी तरह तुम्हारे सामने खड़ा रहूं, लेकिन क्या करें, इस पेट की खातिर नौकरी भी तो करनी है। मैं तो आपको बताने ही भूल गई, तारिक भाई की कॉल आई थी। वो कह रहे थे कि इतना टाइम हो गया बच्चों के साथ और आपको लेकर मैं कभी आई ही नहीं उनके घर, तो वीकेंड पे चले उनकी तरह। नहीं, इस वीकेंड पर मुझे बहुत काम है। तुम और बच्चे क्यों नहीं चले जाते? लेकिन नहीं, तुम लोग चले जाओगे तो मेरा दिल भी तो नहीं लगेगा यहाँ। तो आपने ये बात बोली भी क्यों? You know that I cannot travel without you. I cannot even imagine my life without you. आपने आज कहा है, फिर से मत कहिएगा। सॉरी जनाब, आइंदा नहीं कहूंगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपने तारिक भाई से बोलो कि वो यहाँ आ जाए, हर वक्त हमें क्यों बोलते रहते? Yeah, I think you're right. कॉल कर लूंगी उनको और पूछ लूंगी। आपकी फेवरेट कैरमल कॉफी बना के लाऊं? मना भी तो नहीं कर सकता। जी जनाब, क्या हुआ? बाबा, मामा इज बीइंग वेरी मीन टू मी। हैं? अच्छा, बात कर रहा हूँ मामा से। जी जनाब, आप मेरी बेटी को क्यों तंग कर रही हैं? आपने अपनी बेटी से पूछा है कि वो क्या कर रही है? अपना होमवर्क नहीं कर रही है और YouTube पे बैठ के टाइम वेस्ट कर रही है। ओफो, ये तो बड़ी गलत बात है। बुलाओ दानिया को। उसके बाद कोई और काम करना है। अच्छा, गैस कम इन। सर आपको बहुत बुला रहे हैं। चाह रहा हूं। ओके दानिया बेटा, आई हैव टू गो फॉर अ मीटिंग। तो अपने स्कूल का सारा काम खत्म करो, उसके बाद कोई और काम करो। और हां, मामा को बिल्कुल तंग नहीं करना। अच्छा, ओके, आई टॉक टू यू लेटर। बाय बाय। इंग्लिश की बुक निकालो अब अपनी। ये क्या है सर? रीड इट। खैरियत है सर? आई एम फायर्ड। मेरा डिवीजन बंद हो गया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होगा। घर की इंस्टॉलमेंट है, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट है, बच्चों की फीस, घर के एक्सपेंसेस, कैसे कैसे होगा? मेरे खुदा बता दे कहां जाऊं, दिखता नहीं कोई रास्ता। ये क्या है सर? Read it.
ये क्या है सर? ये वही है कि बहुत अरसे से मैं और मैनेजमेंट अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वेरी अनफॉर्चुनेटली इस कंपनी में आप आपका डिवीजन सस्टेन नहीं कर सकते। सर मैं मानता हूँ कि कुछ अरसे से हमारा डिपार्टमेंट लॉस में जा रहा है, लेकिन अब रिकवरी भी तो हो रही है, और सर मेरा पूरा अप्रूव प्लान आपके सामने है। इससे पहले कंपनी को इतना प्रॉफिट भी तो बना कर दिया। सर दिस इज रियली अनफेयर विद एवरीवन इन द डिपार्टमेंट। आई नो हजीब, लेकिन बिजनेस की सिचुएशन इस वक्त बहुत कट थ्रोट है। हमारी कंपनी स्पेशली हमारे रीजन की सूरत हाल से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। वैसे भी डाउनसाइजिंग का अमल तो एक ग्लोबल फिनोमेनन बन गया है। मुझे इस लास्ट प्रोजेक्ट से बड़ी उम्मीद थी, बट अफसोस हम क्लाइंट को इम्प्रेस नहीं कर सकते। लेकिन सर आई एम सो सॉरी असी, वी नीड टू वाइंड अप। चलता जाऊं कुछ ना चाहूं, ये सब क्या है इस तरह अचानक, वो भी बगैर बताए। सर अब आप ही बताएं हम कहां जाएंगे। जो आप लोगों के साथ हुआ वही मेरे साथ भी हुआ, पूरा डिवीजन ही वाइंड अप कर दिया गया है। मगर सर ये सरासर नाइंसाफी है, और अब हम कहां जाएं? I'm sorry. फोन कर दो। सर आपका कार्ड नहीं चल रहा। नहीं सर, दूसरी मशीन पर ट्राई कर लो। सर अभी 2000 का ही हुआ है, आप कार्ड चेक करवा लें, फोन कर लें, कॉल कर लें। सलाम अलैकुम शबीर साहब, हसीब बात कर रहा हूँ। ये मेरा फ्यूल कार्ड नहीं चल रहा। क्या बंद कर दिया कंपनी ने? अच्छा ठीक है, ओके। तुम ऐसा करो ये कार्ड पे चार्ज कर दो। सर टैंक फुल कर दूं? नहीं नहीं जितना हो गया बस उतना।
बस बहुत है। हसीब, हसीब, खैरियत है सर? I'm fired. मेरा डिवीजन बंद हो गया। कब? आज बॉस ने बुलाकर बताया। रीजनल मैनेजमेंट ने हमारा डिवीजन बंद करने का फैसला किया है एंड इट कांट बी रिवर्स्ड। फिर पता नहीं नहीं मतलब कोई नोटिस वगैरह न... कुछ नहीं, सब कुछ इतना अचानक हुआ है और मेरे पास तो कोई खास सेविंग भी नहीं है यार। पता नहीं कैसे मैनेज होगा सब कुछ। घर की इंस्टॉलमेंट है, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट, बच्चों की फीस। I'm in deep trouble यार। I can understand यार। उसके लिए तुम परेशान मत। मैं जो भी हो सकेगा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा सब। क्या क्या करोगे तुम मेरे लिए? घर बनाने के लिए तुमने ही तो मदद की थी मुझे, अपने बैंक से लोन दिलवाया, और क्या क्या करोगे? देखो असीब, ये हिसाब किताब हम कर लेंगे बाद में, ठीक है? सुन, एक दो लोग हैं मेरे जानने वाले, शायद वो इस काम आ जाएं। माशाल्लाह से तुम इतने टैलेंटेड हो यार। सो इस तरह डिप्रेस होने का कोई फायदा नहीं है, रिलैक्स करो तुम प्लीज। अच्छा सुन, कहीं बाहर चलते हैं, आराम से बैठ के कुछ खाते पीते हैं, हो जाएगा, कुछ सूरत हाल निकाल लेते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेटली इस कंपनी में अब आपका डिवीजन हम सस्टेन नहीं कर सकते। ये ले मिस्टर हसीब, आपकी कैरमल कॉफी। थैंक यू हसीब। क्या हुआ है आपको? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? नहीं, I'm fine. उसे झूठ नहीं बोले हसीब, सच सच बताए मुझे क्या हुआ है, मुझे परेशान नहीं करें। देखिए हसीब, ऐसे नहीं करें, मेरा दिल घबरा रहा है, प्लीज बताए मुझे क्या हुआ है। I'm fired, मेरा, I'm fired. ऐसे कैसे हो सकता है? आपकी इतनी अच्छी जॉब चल रही थी, आप इतने काबिल ऑफिसर हैं, उनके ऐसे थोड़ी हो सकता। कंपनी कुछ अरसे से लॉस में जा रही थी और अब कॉस्ट कटिंग के चक्कर में डिवीजन ही खत्म कर दिया। सब कुछ इतना अचानक हुआ है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कब क्या होगा। घर की इंस्टॉलमेंट है, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट है, बच्चों की फीस, घर के एक्सपेंसेस, कैसे कैसे होगा? अच्छा देखें, आप फिक्र नहीं करें, हमारे लिए आपसे बढ़ के कोई नहीं है। आप इतने टैलेंटेड हैं,
इतना ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस है आपका, आपको तो कहीं पे भी जॉब मिल जाएगी, बल्कि बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। आप परेशान नहीं हो, और हमारे लिए सिर्फ आप मैटर करते हैं, ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं। क्या काबिल, क्या काबिल। अच्छा तुम अभी बच्चों से और अम्मी से जिक्र मत करना, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, कुछ नहीं बताना। अच्छा मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, आप परेशान होना बंद करें। आप परेशान होंगे तो मैं भी परेशान। क्या कैसे होगा, नहीं समझ आ हसीब कहाँ है, क्या खाना नहीं खाएगा क्या वो? क्या हो गया है, तबीयत तो ठीक है, क्यों इतने बुझे बुझे से हो, ऑफिस भी नहीं जा रहे हो आजकल? तबीयत ठीक है ना, कोई मसला है, परेशानी बताओ मुझे। नहीं कुछ नहीं अम्मी, वो बहुत दिन से ब्रेक नहीं लिया था, सोचा एक दो दिन रेस्ट कर लूं। वाओ बाबा ब्रेक, आप लोगों को याद है ना कि इस बार हम लोग समर वेकेशंस के लिए कहां जा रहे हैं, याद है ना आप लोगों को मामा? लास्ट ईयर भी बस हम दुबई तक ही गए थे, आपको पता है ना मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कितना चिढ़ाया था, कोई अमेरिका तो कोई यूरोप। बाबा इस बार मुझे यूरोप जाना है, अमेरिका, डिज्नी वर्ल्ड, हम लोग बहुत मजा करेंगे, बहुत शॉपिंग करेंगे, बहुत घूमेंगे। हम लोग जा रहे हैं ना? दानिया अपना खाना फिनिश कर, इसके बाद होमवर्क भी करना। आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। नहीं मामा मैं अपनी चॉकलेट्स खुद से लूंगी। जल्दी करो, जो भी लेना है वो लो, राजा। सर ये आपका कार्ड चार्ज नहीं हो रहा, आप कैश दे दीजिए प्लीज। यार आजकल के हालात में इतना कैश लेके कौन चलता है? What? बाबा आपका कार्ड क्यों चल रहा? बेटा वो इनकी मशीन शायद खराब है, आप दोबारा चेक करें एक दफा। मैं ट्राई कर लेता हूँ। सर मशीन भी ठीक है और नेटवर्क भी पूरे हैं, आपके कार्ड में इशू है,
आप हेल्पलाइन कॉल करके पता कर लें कि क्या इश्यू है। हाँ नहीं चल नहीं रहा, क्या वजह है? क्या लिमिट एक्सीड कर गई? अभी मैं एक्चुअली फैमिली के साथ हूँ, मैंने शॉपिंग भी कर ली है, अभी तो आप खोल दें, मैं कल बिल पे करवा दूंगा। मैं सामान वापस तो नहीं कर सकता भाई, प्लीज देख लें। अच्छा ठीक है, सुबह करवा दूंगा बिल। हम कल भी तो आकर सामान लेके जा सकते हैं ना, कोई बात नहीं, आ जाओ चलते। हसीब साहब, आपने अपनी पिछली जॉब क्यों छोड़ी? सर दरअसल बल्कि अगर मैं ये कहूं तो कुछ गलत नहीं होगा कि आपके डिवीजन को बंद कर दिया गया हसीब साहब, और आपको कंपनी से निकाल दिया गया। एम आई राइट? देखिए हसीब साहब, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, प्लीज ये मत समझे, बट एज यू नो हमें भी मार्केट में कुछ खबर रखनी पड़ती है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड सर, लेकिन आपको ये भी अच्छी तरह पता है कि हम अच्छी खासी रिकवरी पर थे, और रह गई परफॉर्मेंस की बात तो लास्ट ईयर तो पूरे रीजन ने ही परफॉर्म नहीं किया था, सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट की बात नहीं है, और इसके लिए किसी एक शख्स को इल्ज़ाम देना तो ये तो ज्यादती है सर। ये सब ठीक है, लेकिन आई एम सॉरी You have not achieved your target. जी, ऐसा ही है। And whichever company you were in, वो division close हो गया। Was it mismanagement or your fault? We don't know that. हसीब साहब, आपको ये तो अंदाज़ा होगा कि हमारी कंपनी का बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी पिछली कंपनी से बहुत टफ है। जी, जब आप वहाँ एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो मेरा नहीं ख्याल कि आप हमारे यहाँ को फिट इन हो सकते हैं। लेकिन आई एम सॉरी हसीब साहब, थैंक यू। मैं आपके लिए कॉफी बना दूं? मूड नहीं है। लेकिन खाना तो खा लेते। हसीब आज भी क्या कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं बना, और जब बन जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। रोज रोज मुझसे एक ही सवाल मत किया करो। मेरा ये मतलब नहीं था हसीब। तुम्हारा जो भी मतलब था, मैं जानता हूं मेरी नौकरी चले जाने के बाद घर के हालात बहुत खराब है, तुम मुझे रिमाइंड ना भी कराओ तब भी मुझे इस बात का अंदाजा है कि
बगैर पैसों के घर चलाना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। बेटा, बेटा, तुम पर ये आफत आन पड़ी और मुझे मुझे बताया तक नहीं। अम्मी, वो हमने सोचा कि हम आपको परेशान ना। तुम तो चुप ही रहो। तुमने साबित कर दिया कि तुम पराई हो और हमें भी पराया समझती हो। अम्मी, खुदा के वास्ते अब आप शुरू मत हो जाइएगा। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। वक्त रेत की मानिंद मेरे हाथ से फिसल रहा है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। बेटा, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम्हें इस हाल में देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है, कुड़ रहा है मेरा दिल। मैं तुम्हें कितना कहती थी बेटे, कितना कहती थी कि चादर देखकर पांव फैलाए जाते हैं। तुमने एक नहीं सुनी मेरी। अब देखो, अब ये अफ़सान आन पड़ी है। इससे पहले मैं मर क्यों ना गई। मेरा बच्चा। अरे, तिनका तिनका जोड़कर मेरे बच्चे ने ये आशियाना बनाया था और देखो क्या हाल कर दिया तुमने। ये सब तुम्हारी शाहखर्ची और नवाबियों के नजर हो गया। अब मनाओ खुशियां। मेरा बेटा बर्बाद करके रख दिया तुमने। बर्बाद हो गया मेरा बच्चा, बर्बाद हो गया। मनाओ खुशियां। बता दे कहाँ।